नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शमायल खान। चलिए अब शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लेकर आती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती तो है खास पर रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारे आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारी एक्सपर्ट से, जानेंगे करियर के नए विकल्पों के बारे में, जानेंगे मरीन की फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, आइए देखते हैं किस तरह लड़कियां इंजीनियरिंग की फील्ड को एज अ करियर ऑप्ट कर रही हैं, जानेंगे ट्रॉमा केयर और लेटेस्ट टेक्निक के बारे में, देखेंगे किस तरह लड़कियों को बनाया जा रहा है एंटरप्रेन्योर, देखेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी में होते हुए बदलाव को देखते हुए आज इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, यही वजह है कि ये फील्ड बन रही है लड़कियों की पहली पसंद। डेवलपमेंट के दौर में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, वहीं माइक्रो डिवाइस और 3G टेक्नोलॉजी जैसे रेवोल्यूशन आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के फील्ड को नई ऊंचाई देगा। 2015 तक इस फील्ड में 20 लाख लोगों के लिए जॉब्स होंगे। यही वजह है आज स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के फील्ड में मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के ब्रांच को खासा प्रेफर कर रहे हैं। इतनी MNCs आ रही हैं, सब यही रिक्वायर करती हैं। आगे उसका बहुत ज्यादा स्कोप है इंटरनेशनल मार्केट में भी और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्कोप है इसका। लड़कियाँ लड़कों से पीछे नहीं है। मैं आपको खुद का एग्जांपल लेके बता देती हूँ। मतलब हमारे इस कॉलेज में मुझे लगता है मैं ये अकेली लड़की हूँ जो इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट हुई हूँ। नेक्स्ट जो एरा आने वाला है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी जो फील्ड है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है और अपार्ट फ्रॉम इंडिया बाहर इसकी बहुत डिमांड है, तो बच्चे बाहर भी जा सकते हैं। इस तरह की फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट का अहम रोल होता है, इसीलिए इन स्टूडेंट्स को रिसर्च लैब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज में बेसिक्स पर खासा ध्यान दिया जाता है, इसके साथ ही कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज इनको अपने लेवल पर रिसर्च और पढ़ाई करने का मौका भी देती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट और वर्कशॉप के जरिए इन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। When we go in the industries, we have to do everything practically. So with theoretical knowledge, we need practical knowledge for sure. And here we get the practical knowledge. We come to know how exactly the circuits work. And now we have to work on it. Research work main part hai engineering ka. Ab dekh rahe ke pehle jo hoti thi construction ya jo manufacturing hoti thi, jo electrical ke programs hote the, wo kis tarah hote the aur aajkal kaise ho rahe hain? पहले कभी सुना था किसी ने कभी 100 स्टोरीज बिल्डिंग बन जाएंगी, आजकल बन रही हैं। कैसे इतने दिन लंबे फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं? तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही जो है टेक्निकल एजुकेशन का पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। उसके बिना हम कुछ भी तरक्की नहीं कर सकते। उसके बिना इंजीनियरिंग भी बेमतलब है। लैब्स हमारे पास कंप्यूटर्स है जहाँ से हम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। लाइब्रेरीज में हमारे पास हर तरह की बुक अवेलेबल है, जहाँ से हम अपना कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ से कोई भी अपनी बुक लेते हैं और वहाँ से हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। फील्ड की बारीकियों को समझने के साथ इन स्टूडेंट्स को ओवरऑल ग्रूमिंग की भी जरूरत होती है। इनके पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। कोकरिकुलर एक्टिविटीज, डिबेट, ग्रुप डिस्कशंस और फंक्शनल इवेंट्स इनके पर्सनैलिटी को निखारता है, ताकि वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को फील्ड में प्रेजेंट कर सके। हम स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट भी करते हैं, लाइक हम उनको एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इक्वली उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं, सो दैट कि वो आगे भी चल के हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें। और मोर ओवर उनमें इन चीज़ों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर वो स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे और उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है हर तरफ में, करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हर जगह, और इनकरेज करते हैं हमें इन सब, हर तरफ की डेवलपमेंट हो रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। हम सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्री को चाहिए क्या। इंडस्ट्री को जिस तरह के प्रोडक्ट चाहिए हम उस तरह तैयार करते हैं। कई बार देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वो चीज़ें नहीं हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए, तो हम उनकी एक्स्ट्रा प्रेपरेशन कराते हैं बच्चों को, उनके लिए एक्स्ट्रा कोर्सेज अरेंज करते हैं हॉलीडेज़ पे, संडेज़ पे, सैटरडेज़ पे, ताकि बच्चे के पास वो सारी चीज़ हो जो इंडस्ट्री को चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारी जो प्लेसमेंट है सबसे अच्छी है। ऐसा एम है कि इस बार हमारी यूनिवर्सिटी वो स्टार्ट हो, बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको जो कुछ बाहर जाके मिलता है यहीं पर मिले, उनको रिसर्च वर्क के लिए पूरा यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिले। ये हम चाहते हैं पद्म भूषण श्री GP चोपड़ा जी की कि ये यूनिवर्सिटी जो है नालंदा ऑफ मॉडर्न इंडिया बने। आने वाले वक्त में नैनो टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक अहम रोल प्ले करेगा।
इसीलिए इन्वेंटिव थिंकिंग और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी वाले इंजीनियरिंग के इस फील्ड में आज स्टूडेंट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज के अलग अलग ब्रांचेस को परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को तो सिक्योर कर ही रहे हैं, साथ ही देश की प्रगति में भी अहम हिस्सा बन रहे हैं।